गाइस, आज मैं आप सबको टॉप 10 बल्लेबाजों का नाम बताने वाला हूं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट हुए हैं। तो चलिए इन 10 बल्लेबाज के नाम जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नंबर 10 पे आते हैं इंडिया के मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 39 बार रन आउट हुए हैं, 7 बार टेस्ट क्रिकेट में और 32 बार वनडे क्रिकेट में। नंबर 9 पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के एलन बार्डन, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 40 बार रन आउट हुए हैं, 12 बार टेस्ट क्रिकेट में और 28 बार वनडे क्रिकेट में। नंबर 8 पे आते हैं इंडिया के सचिन तेंदुलकर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 43 बार रन आउट हुए हैं, 9 बार टेस्ट क्रिकेट में और 34 बार वनडे क्रिकेट में। नंबर 7 पे आते हैं पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 44 बार रन आउट हुए हैं, 6 बार टेस्ट क्रिकेट में और 38 बार वनडे क्रिकेट में। नंबर 6 पे आते हैं पाकिस्तान के वसीम अकरम, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 45 बार रन आउट हुए हैं, 7 बार टेस्ट क्रिकेट में और 38 बार वनडे क्रिकेट में। नंबर 5 पे आते हैं पाकिस्तान के इंजमाम उल हक, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 46 बार रन आउट हुए हैं, 6 बार टेस्ट क्रिकेट में और 40 बार वनडे क्रिकेट में। नंबर 4 पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 47 बार रन आउट हुए हैं, 15 बार टेस्ट क्रिकेट में, 31 बार वनडे क्रिकेट में और 1 बार T20 क्रिकेट में। नंबर 3 पे आते हैं श्रीलंका के मारवन अट्टापट्टू, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 48 बार रन आउट हुए हैं, 7 बार टेस्ट क्रिकेट में और 41 बार वनडे क्रिकेट में। नंबर 2 पे आते हैं श्रीलंका के महिला जयवर्धने, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 51 बार रन आउट हुए, 7 बार टेस्ट क्रिकेट में, 39 बार वनडे क्रिकेट में और 5 बार T20 क्रिकेट में। नंबर 1 पे आते हैं इंडिया के राहुल द्रविड़, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 53 बार रन आउट हुए हैं, 13 बार टेस्ट क्रिकेट में और 40 बार वनडे क्रिकेट में।